जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं मैं हाँ तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया लैके हाजिर हाँ तुहाडा हरमन प्यारा शो अज का मुद्दा। तो एम एस पी मोदी का सियासी प्लान अज आप डिस्कस करांगे और इस प्रोग्राम के राही तुहाडे नाल विचार वटांदरा करांगे कि प्रधानमंत्री मोदी का एम एस पी प्लान की है, यानी कि मैक्सीमम सैलिंग प्राइस जिदी आप गल करते हैं। किसानों के लिए अज एक रैली रखी गई, श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा दोनों भाईवाल सरकार ने एक दोनों पार्टियां ने एक रैली रखी और रैली दे विच खुद आप शमूलियत की देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तुसी एक स्टिंग वेख्या और स्टिंग दे बाद तुहानू पता चल गया होना थोड़ा बहुत, तुसी जेकर अपना जहन दे विच ऐ तस्वीरां नू पाओगे तो पता चलेगा कि कुछ वापरिया इस रैली दे विच। रैली सब तो पहला तो यह विवादों के रही और जेडे किसान उत्थे पहुँचे सीगे हिमायत करन इस रैली दे वो भी कितने ना कितने जब उत्थे पहुँचे तो उन्होंने भी ठेस पहुँची एक गल नू लैके। और ठेस क्यों ही नहीं पहुँचनी सी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आप इस तरीके की गल की जिस करके उत्थे पहुँचे किसानों नू भी बहुत ज़्यादा परेशान होना पिया। लंबे समय तो चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जड़े ने लंबा ऐलान कर सकते ने पंजाब के किसानों के लिए और कुछ ना कुछ लैके नवा आ सकते ने, तो यह सियासी गलियारों के विच और मीडिया के बाज़ार के विच ए गल लगातार चल रही थी। लेकिन हुण इन सारी गलों के उत्ते जेकर अमली जामा पहनाया जाए तो यह गल स्पष्ट हो गई कि अज प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे सके पंजाब के विच हिमायत करन लई ते कहन दे लई कि मैं तुहाडे नाल खड़े हाँ और असी तुहाडे नाल लगातार खड़े रहांगे, क्योंकि 200 रुपये का जिहड़ा प्राइस वधाया गया। किसान कह रहे हैं कि यह कोई नवी गल नहीं हैगी, इहदे नाल खेती नूं यानी कि किसानी नूं कोई सुधार नहीं होएगा और जेकर तुसी वाकई सुधार चाहते हो तो कितने ना कितने जिहड़ी स्वामीनाथन रिपोर्ट है उन्हूं लागू करो और किसानां दे लई कोई अजिहा हल ढूंढो जो कि उन्हां दे लई इन फ्यूचर भी उन्हां लई काम आए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी उत्थे पहुँचे तो की कुछ होया, पहला मैं तुहानूं दिखा देना कि किहड़े किहड़े वड्डे ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्थे पहुँच के किते। मलोट विच किसानां नूं लुभाउण ते लई आए प्रधानमंत्री मोदी नूं किन्ने वोट मिलते ने इह तां 2019 च ही पता लगेगा, पर मलोट दी धरती ते मोदी ने कई वड्डियां गल्लां कीतीआं ने। आओ मारते हां नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराली दी समस्या दे हल लई 50 करोड़ रुपए दा ऐलान कीता है। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि 900 मंडियां नूं जोड़िया गया है, जबकि फूड प्रोसैसिंग च 100% FDI दा प्रबंध है। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क विच यूरिया की कमी नहीं है, किसान हुण मोबाइल ते फसल बेच सकते ने। पीएम मोदी ने कहा कि मिट्टी दी जांच ते 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए ने। उन्हां कांग्रेस ते निशाना साधदिआं कहा कि कांग्रेस ने 50 तो 55 करोड़ रुपए खर्च किए सी। मिट्टी जांच लई 9000 जांच केंद्रां नूं मंजूरी दित्ती गई है। इसे नाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घट तो घट समर्थन मुल दा वादा सरकार ने पूरा किया है। लागत तो 1.5 गुणा वध फसल दा मुल दिते जाण दा दावा भी किया। इसे नाल ही पीएम मोदी ने दावा किया कि किसानां दे चैन नाल कांग्रेस दी नींद उड़ गई है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार दे लई काम करती है, कांग्रेस ने किसानां नूं कदे इज्जत नहीं दिती, कांग्रेस ने हमेशा ही किसानां दे नाल धोखा किया है, कांग्रेस किसानां नूं वोट बैंक समझती रही है। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानां नूं नमन किया अते पंजाब दे किसानां दी तारीफ करदे कहा कि पंजाब ने खुद तो पहला मुल्क दे लई सोचा है। गौरतलब है कि 2019 दीआं चोणां नूं चित करन दे लई बीजेपी हर दा खेड रही है, पहला सौणी दीआं फसलां दे समर्थन मुल विच वाधा अते हुण धन्नवादी रैली। पर की मोदी इह सब कर किसानां नूं अपने वल खिच्चण च कामयाब हुंदे ने जां नहीं, इह तां आउण वाला समां ही दसेगा। तो कितने ना कितने तंज कसते हुए नज़र आए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के उत्ते। लेकिन मैं तुहानू इस रैली की 2-4 गल्लां बरीक दे विच दस देव। सब तो पहला तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम वो भी इस रैली के पहुँचे सके, उन्होंने भी शमूलियत की सी। उस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज के उत्ते खड़े होकर ऐलान किए। उस तो बाद प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और ने भी अपने बयान दते
और सब तो वड्डी गल रही इस रैली दे विच जब प्रधानमंत्री मोदी नू दस्तार पहनाई गई तो 10 सैकेंडा दे बाद ही इस तरीके नाल उन्होंने पग उतारी कि जिस तरीके नाल सर तो टोपी उतारी जाती है। उत्थे मौजूद जिहड़े किसान भरा सीगे उन्होंने इस गल नू वेख्या और उन्होंने इस गल दे नाल दुख होया कि एक समा सीगा जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 दे विच लोक सभा चोणां दे लई आए सन तां उन्होंने पग पहन के उत्थे मौजूद सारे लोगों नू तुसीं वेख सकदे हो तस्वीर दे विच किस तरीके नाल पग लाई गई तां उत्थे मौजूद जिहड़े किसान भरा सीगे उन्होंने यह गल बहुत ही बुरी लगी कि घट तो घट प्रधानमंत्री मोदी नू अपने भाषण दौरान पग पहन के रखनी चाहिए सीगी और जिस तरीके नाल उन्होंने पग उतारी वो उन्होंने अच्छा नहीं लग्या। और उस तो वड्डी गल मनोहर लाल खट्टर दा पोचण दा की मकसद सीगा जद पाणियां दी लड़ाई नू लैके हरियाणा नाल लगातार अपना स्टैंड जिहड़ा वो क्लीयर नहीं कर पा रहे पहले तो श्रोमणी अकाली दल क्योंकि पाणियां दे मुद्दे नू लैके प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल उन्होंने कहा सीगा कि असी पंजाब दा पाणी किथे भी नहीं जाण देवांगे। उस तो अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके कहा कि यह वाकई मंदभागी गल है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हुए नज़र आए श्रोमणी अकाली दल नू और प्रकाश सिंह बादल नू कि तुसी प्रधानमंत्री मोदी दे नाल घट्टो घट चंडीगढ़ के मसले नू लैके भी गल करते अपना स्टैंड क्लीयर करते। मनोहर लाल खट्टर भी उत्थे पहुँचे उन्होंने तुसी स्टेज सांझी कर रहे हो और अज तक तुसी उन्हां नाल यह गल नहीं की कि पंजाब का पानी जिहड़ा है वह कित्थे जाएगा या फिर पंजाब के पानियां नू लैके तुसी स्टैंड अजे तक क्लीयर नहीं किया लेकिन हुण तुसी सिर्फ क्रेडिबिलिटी की होड़ दे विच स्टेज उन्हां दे नाल सांझा कर रहे हो। तो यह दो चार जिहड़ियां विषय रहे इस रैली दे विच मैं तुहानू दस्से ने वो तय तुसी करने ने कि हुण उस तो बाद तुसी अपने की विचार मेरे नाल सांझा करना चाहते हो मैं तुहाडी कॉल्स लवांगा लेकिन मैं पहले तुहानू दिखाना चाहना कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज दे विच स्टेज दे उत्ते खड़े होकर की कुछ ऐलान किया और की कुछ कहा वो एक बार सुन लैने। मलोट में आज एक प्रकार से किसानों का कुंभ लगा है। साथियों बीते 4 वर्षों में जिस प्रकार आप देश के अन्न भंडारों को रिकॉर्ड पैदावार से भर रहे हैं उसके लिए मैं मेरे देश के किसानों को आप सबको सर झुका करके नमन करता हूं। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया और ये भी हमारी ही सरकार है जिसने एमएसपी पर अपना वादा निभाया है। 40 साल तक वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की जिनको फुर्सत नहीं थी 70 साल तक जिन्हें किसानों का हक देने की फुर्सत नहीं थी वो आज किसानों को गुमराह करने पर जुटे हुए हैं। पराली जलाने की समस्या केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है ताकि आपको फसल काटने के बाद उसके बचे हुए हिस्सों को जलाने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसके लिए पंजाब हरियाणा यूपी दिल्ली के लिए 50 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। योजना के कुल बजट का आधे से ज्यादा पंजाब पर ही केंद्रित है। आपको पराली जलानी ना पड़े इसके लिए जो मशीनें चाहिए उनकी खरीदारी के लिए 50% की सहायता भी सरकार आपको दे रही है। बठिंडा में एम्स का फैसला लिया गया। मेरा पंजाब सरकार से अनुरोध है कि उससे जुड़े कार्यों में जरा तेजी लाएं। साथियों हमारी सरकार गरीब को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। जन औषधि केंद्र हो या फिर अमृत फार्मेसी केंद्र कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर 50% तक छूट दी जा रही है। भाइयों और बहनों अगले वर्ष गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व है।
ये प्रकाश पर्व के साथ ही हम सभी देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया की मानव जात के लिए गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व ये एक प्रकार से प्रेरणा पर्व भी है। पूरी मानवता को उन्होंने जो रास्ता दिखाया, किसान, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, उनके हक में जो आवाज उठाई, वो हम सभी के लिए जीवन पर्यंत मार्गदर्शक का काम करती है। वो तो ठीक है मोदी जी, सारी गल्लां तुहाडी समझ आती है, लेकिन की ए हुण जुमले ही ने कि वाकई तुसी करके दिखाओगे? तुसी 50% दी गल कर रहे हो कि असी 50% पराली की समस्या नू लैके वचनबद्ध और असी 50% हैल्प करांगे। इत्थे इन्होंने बयान दिता कि 50% दे रही है, लेकिन मैं दर्शकों नू दसदा कि दे रही नहीं है, यह सिर्फ है एक तरीके नाल उन्हां दी तर्क सीगा, हजे मिलना है। कि यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सवाल वड्डे बने हुए ने। हुण अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि एम्स जिहड़ा उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की सी बठिंडा दे विच, ते उस श्रोमणी अकाली दल नू कहंदे हुए नज़र आ रहे हैं कि उहदे विच तेजी लियाउण। लेकिन मोदी जी, एक गल इत्थे स्पष्ट तुहानू अज करनी पवेगी पंजाब दे वसनीकां नू कि श्रोमणी अकाली दल तेजी लियाए कि या फिर बीजेपी सरकार तेजी लियाए, क्योंकि जद तुसी दोनों भाईवाल हो, जब तुसी स्टेज एक दूजे नाल शेयर करदे हो, तां इह जिम्मेवारी किहदी बणदी है? दोनों की बणदी है कि हुण तुसी श्रोमणी अकाली दल दे उत्ते इह गल कहोगे? लेकिन श्रोमणी अकाली दल दे नुमाइंदे भी घट नहीं हन, उन्होंने भी क्रैडिट लैंड की होड़ दे विच अपनी पीठ थपथपाते हुए नज़र आए कि किसानां दी हक दे लई प्रकाश सिंह बादल बहुत लंबे समय तो लड़दे आ रहे ने और यह जंग हजे भी जारी है। पीठ थपथपानी उन्होंने भी नहीं छड़ी, लेकिन अगर पीठ थपथपाई तो की कुछ कहा वो भी असीं तुहानूं एक बार सुना दिंदे आ। जिहड़ी कांग्रेस सरकार वेले औसत 50 रुपये झोने दे वाधे सन, कदे वाधे भी नहीं सन, कदे 10 रुपये वाधे सन। अज एक इन्होंने वड्डी छलांग लाई ते 200 रुपया क्विंटल झोने का भाव वधाया। इस भाव नाल सिर्फ किसान ते मजदूर का फायदा नहीं होना, आड़तीए भरा साडे हन उन्हां नूं भी 100 करोड़ तो वध पैसे मिलणगे। मार्केट कमेटियां, मार्केटिंग बोर्ड, उन्हां नूं भी 200 करोड़ रुपए का फायदा होएगा। किसानों के लिए जितना बड़ा काम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ है, मैं क्या कहता हूं कि आज वर्तमान के किसान ही नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ियां वो भी हमेशा याद रखेंगी। वर्षों पुरानी किसानों की इच्छा, किसानों की ये मांग कि हमको लागत मूल्य पर कम से कम 50% का लाभांश मिलना चाहिए, और आपको जानकारी है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ फसलों में 50% तो किया ही है, साथ में अरहर जैसी दाल, मूंग जैसी दाल 62% 60% का लाभ, 67% का लाभ भी दिया गया है। और जय किसान, खेत खलियाना दे विच, गरीबां दे विच, दलिता दे विच पले बड़े हुए मोदी जी, उन्हां नूं इन्हां दे आंसुआं दे दर्द दा पता है। सो अज गरीब नूं जो शक्ति मिली है, अज जे पिछड़े वर्ग नूं शक्ति मिली है, अज कुचले वर्ग नूं शक्ति मिली है, ते ओ शक्ति देण वाले ने असल मैनेज गरीबां दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अज देश दे प्रधानमंत्री जी अज इत्थे बैठे, 4 दिन पहले फैसला किया गया कि पंजाब की जनता ने थोड़ा धन्यवाद करना है किसानों ने। इन्नी गर्मी के बावजूद 4 दिनों के अंदर लखां दे किसान थोड़े कोले बैठे,
मैं माफी चाहना इंतजाम पूरा नहीं कर सके क्योंकि जिन्ने एडे बैठे है उन्ने पार है बेचारे क्योंकि इन्ना इंतजाम पूरा कर नहीं सके असी समा घट सी पर जिहड़े किसान आप जी का धन्यवाद करने वास्ते आए है क्योंकि आप जी ने उन्हां दी झोने की फसल वास्ते 200 रुपया क्विंटल वधाया इहदा मतलब तुसीं उन्हां नूं इस फसल का 6000 रुपया किला मुनाफा दे दिता 6000 रुपया किला मनोहरलाल खट्टर जी पानी के मुद्दे पर भी तुम कुछ ना कुछ बोल लेंगे तो वधिया रहिंदा उत्थे मौजूद किसान भरावां नूं थोड़ी जी हमदर्दी दिखा देंगे पानिया के मुद्दे पर अच्छा रहिंदा श्वेत मलिक जी तुहानूं कहना चाहांगा कि शक्ति पंजाब के किसानों के विच लियाओ उन्हां दे जज्बातां नाल ना खेलो और सुखबीर सिंह बादल जी इन्नी तेज़ ना बोलो ताकि तुहाडा गला खराब हो जाए गरारे करने पैण तुहानूं ते हुण समां मैनूं लगदा कि तुहाडा हैगा इस मुतलक तुसी मैनू कहो कि तुसी की समझ पाए हो अज पूरी इस वीडियो नू वेख के मैं तुहानू दिखाउण दी कोशिश कीती है कि जिहड़े बयान अज निकल के सामने आए ने किस तरीके नाल लईए असी इन बयानां नू कंकलूजन तुसी खुद आप कटना है मैं वेख पा रहा तुसी मैनू फोन कॉल्स करनी शुरू कर दित्तियां हन मैं तुहाडी कॉल्स जरूर लवांगा इस ब्रेक तों उस पार